ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस? प्रॉफिट एंड लॉस. जेबी एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस? प्रॉफिट एंड लॉस. जेबी एंड लॉस. कैश? एसेट. रेंट? रेंट है ना? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बैंक है क्या वो? बैंक. बैंक है. आपसे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है. अरे सर, रेंट पूछ रहे हैं. प्रॉफिट और लॉस. अच्छा, रेंट है ही नहीं रे. कैश? कैश. सर की आंखें भी कमजोर हो. एसेट. बैंक. एसेट. एडवांस. एसेट. एसेट. पक्का? हाँ पक्का. डेबिट में दिया है? हाँ तो एसेट ही है ना. एसेट है. ठीक है. फिर सब लोग डूब गए थे सोच में, क्या है? अब नीचे का वो रीड करो, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है. जल्दी से हाँ जल्दी. On 1st July 2013, Sivas admitted who brought Rs. 10,000 as his capital, for which the entry is passed. He later on brought Rs. 2,400 for goodwill, for which the entry is to be passed. ठीक है. अभी इसने capital आया तो capital में जाएगा ना? हाँ. हाँ. उसके बाद goodwill भी दिया है क्या? हाँ, brought 2,400 for goodwill. ठीक है, तो divide कर दोगे old partner में, credit side में. हाँ. उसके बाद adjustment पढ़ो next वाला. A and B were sharing profit and losses as 3:2. After C's admission, they shared profit and losses as 2:1:1. New profit sharing भी दिया है, देखो यहाँ पे old भी दिया है और new भी दिया है. हाँ. तो old वाला पहले भी pre में बांटते थे हम लोग, और न्यू वाला न्यू में बांटते थे. ठीक है ना? हाँ. उसके बाद कौन सा एडजस्टमेंट देखो? The sales ratio for the first 6 months and second 6 months has been 3:2. Selling expense are in direct proportion to sales. ठीक है. तो क्या बोला है? The sales ratio कितना बोला है? 3:2. तो sales को डिवाइड कर दोगे ना दो पार्ट में? करने को आएगा ना. देखो सेल्स कितना दिया, देखो एक बार 70,000 दिया है. उसको 3:2 में बांटना. हाँ, 3:2 में डिवाइड कर देना. ठीक है. और सेलिंग एक्सपेंस को भी डिवाइड कर देना. ठीक है. उसके आगे देखो क्या दिया है. Out of administrative expenses, ₹1,000 belong to second half of the year only. Balance of the administrative expenses to be divided equally. Okay, so 1,000 post में डालोगे. Balance वाले को equal divide करके pre and post. हाँ. ठीक है. Next वाला. Closing stock ₹33,000 on 30/6/2013. ₹2,500 on 31/12/2013. तो दो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है. दोनों का अमाउंट दिया है. दोनों का अमाउंट दिया है ना. हाँ. तो एक प्री में डाल देना, एक पोस्ट में डाल देना. राइट है. हाँ. आगे डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट 5% पर एनम, मशीनरी एट 10% पर एनम. ओके, ये तो आता है तुम लोगों को. हाँ. के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%. 10%. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकालोगे तब 12 महीने का ओल्ड वाले का निकालोगे और नया वाले का सिर्फ कब एडमिट किया उसको.